हरियाणा एसटीएफ के डीएसपी ने शुक्रवार को सोनीपत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षाओं में सेटिंग कराकर परीक्षार्थियों से लाखों रुपए लेकर नौकरी लगवाने का धंधा करने वाले गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 4 आरोपी सोनीपत से, 3 आरोपी राजस्थान के विभिन्न जिलों में शामिल हैं। एसटीएफ पुलिस के मुताबिक ये गिरोह 2013 और 2014 से ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षाओं में सेटिंग कर एसएससी, सीएचएसएल, रेलवे क्लर्क, नीट, आईआईटी की परीक्षाओं में पास करवाने और नौकरी लगवाने का धंधा करते थे। गिरफ्तार आरोपी अशोक, मोनू, आशीष को जिला अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ अब की जाएगी। ये दो इनामी जो कि अशोक उर्फ मोनू और उनके साथीगण हैं 5 और जो कि ऑनलाइन जो पेपर दिलवाते हैं नौकरी लगवाने के लिए उस तरह का फ्रॉड करते थे। काफ़ी टाइम से करीब 2012 से इन्होंने ये काम स्टार्ट किया था। जगह जगह इन्होंने अपनी लैब्स खोली हुई हैं और उन लैब्स में जो एग्ज़ाम होता था उनका रिमोट एक्सेस लेकर, तो जो बंदे इनके पास आते थे इनके कॉन्टैक्ट के थ्रू, जो इनके साथी होते थे जो बंदे लेके आते थे पेपर पास कराने के लिए, तो उनका ये पेपर पास करा।